वेलकम टू माय चैनल स्नेहा ब्राइट। तो मैं आज फिर आ गई हूँ एक न्यू रेमेडी के साथ जो आपके लिए काफ़ी ही कारगर होने वाली है। हम सभी अपने बालों की प्रॉब्लम्स को लेकर काफ़ी परेशान हैं और अभी तक आपके बालों की प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुई, तो आज की रेमेडी यूज़ करने के बाद आपकी वो सभी प्रॉब्लम जल्द ही ख़त्म हो जाएंगी। तो आज की रेमेडी को अच्छे से जानने के लिए वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो आज की वीडियो में हम यूज़ करेंगे चीनी। जी हाँ, हमें लेना है शुगर। शुगर हमारे बालों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। हमारे बालों की डैमेज, जो हमारे बाल डैमेज हो गए हैं और सफ़ेद हो चुके हैं, उनको फिर से काला करने में काफ़ी हेल्प करती है, और साथ ही अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो उसको रोकने में भी काफ़ी हेल्पफुल होती है चीनी। तो हमें लेना है 2 चम्मच चीनी। अगर आपके बालों की लेंथ ज़्यादा है तो आप ज़्यादा चीनी का यूज़ कर सकती हैं। अगर आपके ज़्यादा लॉन्ग हेयर नहीं है तो 2 चम्मच चीनी आपके लिए काफ़ी होगी। चीनी अपने बालों को चाहते हैं कि हमारे बाल अच्छे हों, बाल झड़े ना, टूटे ना, और साइड और हमारे बालों में अच्छी शाइनिंग हो, तो आपको क्या आपको ये रेमेडी ज़रूर यूज़ करना चाहिए। तो नेक्स्ट हम इसमें यूज़ करेंगे शैम्पू। जी हाँ, मैंने यहाँ कोई भी शैम्पू ले सकते हैं जो आप यूज़ करते हैं, आप उस शैम्पू को लीजिएगा। ये नहीं कि मैंने ये यूज़ किया है तो आप यही लें, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। आपको वही शैम्पू यूज़ करना है जो आपको सूट करता है। और हाँ, और एक ये बात है कि आप अपने बालों में शैम्पू चेंज ना करें। बालों के झड़ने का एक रीज़न ये भी होता है कि हम जो शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, अगर हम कोई और शैम्पू यूज़ कर लें तो उस बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो आप वही शैम्पू रेमेडी में अपने यूज़ करें जो आप अपने बालों में यूज़ करते आ रहे हैं, और शैम्पू ना चेंज करें जिससे आपकी हेयरफॉल को ना फेस करना पड़े। तो आप इसमें शैम्पू अच्छे से मिक्स कर दीजिए। शैम्पू क्या होता करता है, हमारे बालों की गंदगी को साफ़ करता है और जो रूसी हमारे बालों को ख़त्म भी कर देता है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेना चाहिए। और ये चीज़ें हमारे घर में आसानी से मिल जाती है, इसके लिए हमें ज़्यादा पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है। मात्र 10-15 रुपए में ही आप इस रेमेडी को बना सकते हैं, क्योंकि चीनी हमारे घरों में पहले से ही होती है और शैम्पू 1 रुपए का आता है। नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे इसमें लेमन जूस। आपको इसमें 1/2 लेमन यूज़ करना है। लेमन में होता है विटामिन सी जो हमारे डैंड्रफ को ख़त्म करता है, और बालों में रूसी होने की वजह से हमारा हेयर फॉल की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। आपके बालों में डैंड्रफ नहीं होगा तो आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम को फेस भी नहीं करना पड़ेगा। तो आप इन तीनों चीज़ों को अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए, और अच्छे से बैटर मिक्स कर लीजिए। आप देख सकते हैं बैटर कितने अच्छे से मिक्स हो चुका है। और हाँ, अगर आपके लिए बैटर कम पड़ रहा है तो आप इसमें पानी भी थोड़ा ऐड कर सकते हैं, और इसे अच्छे से आप पेस्ट कर लीजिए। ये रेमेडी काफ़ी हेल्पफुल होगी, आपके बालों की सभी प्रॉब्लम को ख़त्म कर देगी। अगर आपके बाल ऑयली हैं, डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, बाल झड़ रहे हैं, और आपके बालों में बहुत ही रूसी हो चुकी है और आपकी हेयर ग्रोथ भी नहीं हो रही है, तो इस रेमेडी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि ये रेमेडी आपकी सभी प्रॉब्लम को, मैं कहती हूँ, गारंटी से ख़त्म कर देगी। कि ये रेमेडी बहुत ही हेल्पफुल होती है। आप 2 बार यूज़ करिए, अगर हो सके तो आप इसे नाइट में यूज़ करिएगा, क्योंकि आप अगर नाइट में यूज़ करते हैं तो हमारी बॉडी रिलैक्स जोन में होती है और ये हमारे बालों में बहुत तेज दुगना असर दिखाती है। तो अगर आप वर्किंग पर्सन हैं तो आप इसी रेमेडी को बारात में यूज़ करिए, और सुबह आप इसे वॉश कर सकती है। हमें इसे शैम्पू करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसमें ऑलरेडी शैम्पू ऐड किया हुआ है। तो ये रेमेडी काफ़ी हेल्पफुल होगी, आपकी सभी प्रॉब्लम को ज़रूर ख़त्म करेगी। और आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, और अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। Thank you.